शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के दूरदराज क्षेत्र जघोरी में समाज सेवियों ने ग्राम सौंदर्यीकरण अभियान चलाया। क्षेत्र के बुद्धिजीवियों समेत महिला मंडलों व स्थानीय युवाओं ने इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। समाज सेवियों ने इस क्षेत्र की पहचान प्राकृतिक एवं सुंदर झील को पर्यटन मानचित्र पर लाने का बीड़ा उठाया है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के दूरदराज जघोरी इलाके को सुंदर और स्वच्छ बनाने की मुहिम तेज हो गई है। जघोरी देवता साहिब सौर के सौंदर्यीकरण का भी प्रयास किया गया। इस दौरान समाज सेवियों ने स्थानीय महिला मंडलों, युवक मंडलों और बुद्धिजीवियों के सहयोग और मार्गदर्शन से आगे बढ़ने का फैसला लिया, ताकि इस दूरदराज क्षेत्र की स्थानीय प्राकृतिक झील को पर्यटन की दृष्टि से भी उभारा जा सके। इस दौरान सभी क्षेत्र के लोगों से आह्वान किया गया कि समूचे क्षेत्र को सुंदर व स्वच्छ बनाए रखने के लिए सभी सहयोग करें। अभियान संचालक किशोरी लाल ने बताया कि क्षेत्र से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और बुद्धिजीवियों के साथ महिला मंडलों, युवक मंडलों ने क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। आज ग्राम पंचायत जघोरी में ग्राम सौंदर्यीकरण अभियान का हमने आयोजन किया। डॉक्टर MS मेहता जी, श्री लक्ष्मणकनेर जी, श्री मनमोहन सिंह जी, श्री जगदीश ठाकुर के मार्गदर्शन द्वारा, जिसमें युवक मंडलों, महिला मंडलों का भरपूर सहयोग रहा। मैं महिला मंडलों, युवक मंडलों का दिल से धन्यवादी हूँ कि उन लोगों के सहयोग द्वारा हम लोग इस अभियान को सफल बनाने में कामयाब रहे। आज हमारे जघोरी के सौर क्षेत्र में हमारे जघोरी गांव के समाज सेवकों ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे आने वाले समय के लिए हम बहुत आगे पहुंचे। तो इन युवाओं का, युवतियों का और समाज सेवकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि ये जो कदम उठाया है, यहां तक ही नहीं आने वाले समय के लिए, आगे के लिए, मतलब ये चलता रहे। आज गांव जघोरी सौर स्थान पर ग्राम समाज सेवकों द्वारा पौधारोपण किया गया, जो कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। हम लोग आप लोगों से आशा रखते हैं कि आप लोग आने वाले समय में ऐसे ही गांव को विकसित करने में अपना योगदान दें और हम गांववासी आपका भरपूर योगदान देंगे। आज जो यहां पे समाज सेवकों ने जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय था, पौधारोपण कार्य। मैं भविष्य में भी चाहूँगा कि आगे भी ऐसे ही कार्य हो और सभी ग्रामवासियों से मैं अनुरोध करूँगा, इसमें भरपूर सहयोग दें आप लोग। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।